हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी ट्विटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस जो कि हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं वो पर डे चलती हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास तैयार की है जिसमें हम कवर करेंगे दक्षिण भारत को। हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो टॉपिक हैं इन सारे टॉपिकों को हमने कवर कर लिया है। तो आज के इस टॉपिक में हम दक्षिण भारत को कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी अरिकामेडु, ऑप्शन सी पुम्पुहर एंड ऑप्शन डी मुसिरी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए, मदुरै, अरिकामेडु, पुम्पुहर, मुसिरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर वी, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेडु था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। ऑप्शन ए राजराजा चोल, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल एंड ऑप्शन डी परांतक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला वह राजा कौन था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल वह शासक था जिसने गंगा को उत्तर से दक्षिण पहुंचाया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। ऑप्शन ए त्याग समुद्र, ऑप्शन बी गंगे कोंड, ऑप्शन सी मुड़ीकोंडा, ऑप्शन डी पंडित चोल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। तीन पदवी उसने धारण की हैं, इनमें से एक चौथी पदवी है जो हमारा सही जवाब होगा, जो उसने धारण नहीं की थी। बताइए वो चौथी पदवी कौन सी है। तो इसका सही जवाब त्याग समुद्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी ब्रह्मा एंड ऑप्शन डी दुर्गा। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर वी, अधिकांश चोलकालीन जो मंदिर हैं वो शिव को समर्पित हैं, तो इसीलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि कहा जाता था। दोबारा बोलता हूँ, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की
विभिन्न कोटियों के अनुसार खाली स्थान को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए बेलन वगाई, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी सालाभोग एंड ऑप्शन डी पल्ली चंदम। बताइए इसका सही जवाब क्या है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पल्ली चंदम। चोल अभिलेखों में जो उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में भूमि दी गई थी उसको क्या कहा गया था? पल्ली चंदम, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर एंड ऑप्शन डी दक्षिण। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी चोल वंश भारत के दक्षिण भाग में अधिकतर शासन करते थे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका या सिंघल को पहले जीता था? निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? ऑप्शन ए आदित्य प्रथम ने, ऑप्शन बी राजराज प्रथम ने, ऑप्शन सी राजेंद्र ने एंड ऑप्शन डी विजयालय ने। बताइए कौन सा है हमारा सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने जो कि एक चोल राजा था, इसने लंका को सबसे पहले जीता था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? ऑप्शन ए परांतक, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजराज एंड ऑप्शन डी अधिराजेंद्र। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? बताइए इसका सही जवाब कौन सा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राजराज। राजराज जो चोल शासक था, इसने श्रीलंका के उत्तरी जो भाग था उसको जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था इसने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य एंड ऑप्शन डी सातवाहन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चोल शासक। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया? ऑप्शन ए राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन बी विजयलाला, ऑप्शन सी आदित्य एंड ऑप्शन डी
राजराज फर्स्ट। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र फर्स्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश पर, केरल पर या फिर बंगाल पर? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो चोल राजाओं थे उनका शासन कहाँ पर था? तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश पर, केरल पर या फिर बंगाल पर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन ए ओरैयपुर, ऑप्शन बी कावेरीपट्टिनम, ऑप्शन सी तंजावुर एंड ऑप्शन डी मदुरई। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उरैयपुर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? इम्पोर्टेंट प्रश्न। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी कृष्ण फर्स्ट एंड ऑप्शन डी गोविंद फर्स्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भूलना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? राजेंद्र फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट या फिर गोविंद फर्स्ट? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मंदिरों से संबंधित जो भी प्रश्न है सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मंदिरों वाले प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने, चालुक्य राजा पुलिकेशिन सेकंड ने या फिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ऑप्शन ए हिंदू और बौद्ध, ऑप्शन बी बौद्ध और जैन, ऑप्शन सी हिंदू और जैन एंड ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध और जैन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हिंदू बौद्ध और जैन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? आदिपुराण, गणित सार संग्रह, ऑप्शन सी सात्यायन
एंड ऑप्शन डी कविराज मार्ग। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कविराज मार्ग। जो पुस्तक थी वो राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। ऑप्शन ए पल्लवों के, ऑप्शन बी पांड्यों के, ऑप्शन सी चोलों के एंड ऑप्शन डी चेरों के। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पल्लवों के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। ऑप्शन नंबर ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी कन्नड़ काव्य के तीन कवि पंपा पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी जैनवाद का संरक्षण एंड ऑप्शन डी विजय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कन्नड़ काव्य के तीन कवि कौन कौन से पंपा पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किन के संरक्षण में किया गया था। ऑप्शन नंबर एक चोल, ऑप्शन बी कदंब, ऑप्शन सी पल्लव एंड ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के संरक्षण में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। ऑप्शन ए मौर्य पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पांड्या मदुराई, ऑप्शन सी पल्लव टोल्लोर एंड ऑप्शन डी काकतिया वारांगल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पल्लव टोल्लोर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन बी सिंह विष्णु, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन फर्स्ट एंड ऑप्शन डी महेंद्र वर्मन सेकंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए गुप्त राजवंश, ऑप्शन बी पल्लव राजवंश, ऑप्शन सी चोल राजवंश एंड ऑप्शन डी चालुक्य राजवंश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पल्लव राजवंश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन प्रथम एंड ऑप्शन डी नंदी वर्मन प्रथम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? ऑप्शन ए कल्याणी के चालुक्य, ऑप्शन बी कांची के पल्लव, ऑप्शन सी तमिलनाडु के चोल एंड ऑप्शन डी वातापी के चालुक्य। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी वातापी के चालुक्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है? ऑप्शन ए मास्की, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा, ऑप्शन सी एहोल एंड ऑप्शन डी नासिक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी एहोल। एहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन ए पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी पुलकेशिन सेकंड एंड ऑप्शन डी खारवेल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 2014 में एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन सेकंड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन बी पुलकेशिन फर्स्ट, ऑप्शन सी रविकीर्ति एंड ऑप्शन डी मंगलेश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन सेकंड। ये हमारा अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शन ए थलवईपुरम तांबे की प्लेटों, ऑप्शन बी उत्तर मेरू शिलालेख, ऑप्शन सी कुडमियमलई शिलालेख, ऑप्शन डी कसाकुडी तांबे की प्लेटों। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए थलवईपुरम तांबे की
प्लेटो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? ऑप्शन ए सोमेश्वर थर्ड, ऑप्शन बी कल्हन, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान एंड ऑप्शन डी सोमदेव। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कथा सरित सागर किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सोमदेव। कथा सरित सागर सोमदेव द्वारा रचित पुस्तक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा याद रखना कि वो इम्पोर्टेंट प्रश्न ही होगा। विक्रमांक देवचरित के पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बिलहन, पन्ना, पंपा या फिर रन्ना? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिलहन। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का सेशन? आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तब तक हमारी वीडियो आप सभी तक नहीं पहुंचेंगी। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करना और हमें सपोर्ट करना। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।